वेलकम टू डिजिटल एकेडमी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एमएक्स एक्सेल के अंदर होम टैब पार्ट नंबर टू। सबसे पहले हम स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड के सेल को हम मर्ज करेंगे, मर्ज सेल। इसका हम फॉन्ट को इनक्रीज करें, दोस्तों इसके आगे आ जाता है नीचे सीरियल नंबर वन। वन का यहाँ पर माउस के जरिए हम ड्रैग डाउन करेंगे, कंट्रोल प्रेस सीक्वेंस वाइज हमारे पास न्यूमेरिकल का डाटा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाता है नेम, साकिब अली, रज़ा, फहाद, महाद, महवेश, मनाहिल, उम्र वगैरह। उसके बाद दोस्तों मज़मीन आ जाते हैं इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन, टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, टोटल मार्क्स। दोस्तों ये यहाँ से टोटल मार्क्स हमें सही दिखाई नहीं दे रहे। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद वार्म टैक्स करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट आ जाता है पास और फेल और ग्रेड। दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट शुरू टोटल मार्क्स और स्मॉल ब्रैकेट बंद। इंटर करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आंसर आ जाएगा इस फार्मूले का दोस्तों। उसके बाद हम माउस के जरिए ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे हमारा ये फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों। इसके बाद हम इसको माउस के जरिए ड्रैग डाउन करेंगे तो ये खुद खुद फार्मूला आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, यानी कि ऑटोमेटिक हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारे पास पास और फिल का कॉलम है, इसका फार्मूला है इज इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट शुरू परसेंटेज ग्रेटर देन 40 कॉलम इन्वर्टेड कॉमा पास इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल इन्वर्टेड कॉमा छोटी ब्रैकेट बंद। तो इसके बाद हम इस माउस के जरिए इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद ग्रेड का कॉलम, दोस्तों ग्रेड का फार्मूला ये है, इज इक्वल टू इफ स्मॉल ब्रैकेट शुरू परसेंटेज ग्रेटर देन 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू ए इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा इफ स्मॉल ब्रैकेट शुरू परसेंटेज ग्रेटर देन 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू बी इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा इफ स्मॉल ब्रैकेट शुरू परसेंटेज ग्रेटर देन 50 कॉमा ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा ग्रेड सी इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट जितनी हमने खोली है उतनी हमने इसमें बंद करनी है और इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास ग्रेड आ जाएगा। इसको हम और ड्रैग डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें हम कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है जर्नल का, इसमें मुख्तलिफ न्यूमेरिकल डेटा यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट पड़े हुए हैं, जर्नल नंबर करेंसी, यानी करेंसी पर अप्लाई कर दो हमारे पास करेंसी शो हो जाएगी। अगर हम अकाउंटिंग में करेंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा। शार्ट डेट में हम इसको हम अप्लाई डेट में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेट के फॉर्मेट आ जाएगा। टाइम में करेंगे तो टाइम में फॉर्मेट आ जाएगा दोस्तों। अगर हम इसमें परसेंटेज का साइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम परसेंटेज लगा सकते हैं दोस्तों। अगर न्यूमेरिकल में हम अगर साइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम साइन लगा सकते हैं, डॉलर का साइन लगा सकते हैं, यूरो का लगा सकते हैं, यानी कि चाइनीज वगैरह हम मुख्तलिफ साइन वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों परसेंटेज का और कॉलन का, हम परसेंटेज वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट और कॉलन वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से, इंक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल हम कर सकते हैं। उस नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, नीचे फॉर्मेट में आ जाता है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, यानी कि हम अगर चाहते हैं तो चाहते हैं अगर 40 400
400 से जिसने नंबर ज़्यादा लिए हैं तो वो हाईलाइट हो जाएं, तो हमारे पास ये हाईलाइट हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि 300 और 400 के दरमियान जिस बच्चे ने अगर मार्क्स लिए हैं तो वो हाईलाइट हो जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने, यानी कि वह हाईलाइट सेल बिटवीन, यहाँ पर हम लिखेंगे 300 और यहाँ पर लिख देंगे हम 400। ओके पर प्रेस करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ इन टोटल 10 मार्क्स में से जिसके इक्वल मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो हम जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, इसमें इक्वल इक्वल करेंगे, जिसके अगर इक्वल होंगे यानी कि अगर हैं 388 तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से डुप्लीकेट टैक्स दैट कंटेन या डुप्लीकेट वगैरह इसी तरह हम अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर हम ये मरूम करना चाहते हैं कि पहले तीन पोजीशनों पर कौन आया है, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, टॉप बॉटम रूल्स पर क्लिक करेंगे, टॉप 10 आइटम यहाँ पर हम लिख देंगे 3, तुम्हारे पास ये 3 टॉप लिस्ट में जो नाम है वो मार्क्स हैं यानी कि हाईलाइट हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो सबसे हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, इसमें टॉप 10%, जिसमें 10 में से जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो शो हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बॉटम 10%, 230। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा बाज, हम मुख्तलफ सेल को मुख्तलिफ कलरों में शो कर सकते हैं, इनके जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका कलर सेल में ज़्यादा होगा, जिसके कम मार्क्स होंगे तो उसका कलर सेल में कम होगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है कलर स्केल, हम यानी कि मुख्तलिफ हम इसमें कलर वगैरह दे सकते हैं, स्केल दे। कलर स्केल दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आइकॉन सेट्स का, मुख्तलिफ आइकॉन हम इसमें दे सकते हैं, यानी कि जिसके रेड है उस नीचे तीर का निशान जा रहा है वो उसके मार्क्स कम है, जिसका ग्रीन कलर है उसके तीर का ऊपर निशान जा रहा है उसका मार्क्स हाई है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल, इसमें हम मुख्तलिफ टेबल का फॉर्मेट दे सकते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल, हम इसमें मुख्तलिफ अपना सेल का स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, नॉर्मल, बैड, गुड, नेचुरल। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, इंसर्ट हम मुख्तलिफ सेल वगैरह को अपनी मर्जी के मुताबिक इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ हमें ज़रूरत हो। इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पर हम इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हैं, यहाँ के हमारे पास पहले शीट 1 थी, फिर शीट 2, फिर शीट 3, हमारे पास अब आ गई है शीट 4। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का, हम मुख्तलिफ इसमें सेल डिलीट कर सकते हैं, शीट की रो डिलीट कर सकते हैं, शीट का कॉलम वगैरह डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का, फॉर्मेटिंग में हम रो हाईलाइट कर सकते हैं, ऑटोफिल कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ वगैरह कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि हम ओके पर प्रेस करेंगे कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो गई और इसको कम भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम का, हम इसमें अपने अपनी मर्जी से ऑटो सम कर सकते हैं, उनकी सम करना चाहते हैं तो सम कर सकते हैं, जिसमें MS Excel में ये फार्मूले गिवन होते हैं, इसमें अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज पर क्लिक करेंगे तो एवरेज हमारी इसकी आ जाएगी, अगर हम काउंट नंबर करना चाहते हैं तो काउंट नंबर आ जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम
कितने नंबर हैं तो वो मैक्सिमम आ जाएंगे, अगर चाहते हैं कि मिनिमम कितने हैं तो मिनिमम आ जाएंगे। यानी कि सम हमारा 60 है और एवरेज हमारी 30 है, काउंट नंबर हमारे 5 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 60 है और मिनिमम वैल्यू इसकी 5 है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फिल की, अगर हम 50 को नीचे लेकर आना चाहते हैं तो फिल डाउन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये 50 नीचे आ जाएगा, अगर हम फिल में अगर राइट में करना चाहते हैं तो ये राइट में आ जाएगा। दोस्तों अगर हम लेफ्ट में करना चाहते हैं तो 50 को हम ये लेफ्ट में आ जाएगा, अगर हम अप में करना चाहते हैं तो 50 को फिल अप कर देंगे तो ये हमारे पास अप में आ जाएगा फिल। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल में सीरीज़ का, सीरीज़ में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सीरीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप वन से हम लिखेंगे यहाँ पर 10, यानी कि 10 लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 पर यह स्टॉप हो गया हमारी सीरीज़। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम न्यूमेरिकल डेटा ये वगैरह लिख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्लियर का, इसमें हम अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑप्शन, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कमेंट्स वगैरह, हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें तो जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग इसमें की है वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट और फिल्टर, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो सबसे जो स्मॉल होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा, उसके बाद नीचे ला जाएंगे, नेक्स्ट नीचे ला जाएंगे, सबसे ऊपर स्मॉल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद हम जो सबसे बड़ा होगा सबसे ऊपर आ जाएगा और नीचे इसके नीचे स्मॉलेस्ट आ जाएंगे, यानी कि स्मॉल न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों अगर अल्फाबेट्स ए से जो नाम शुरू होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी कि ए टू जी। और अगर नीचे ऑप्शन है जी टू ए, जो सबसे जेड से अल्फाबेट्स नाम शुरू होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो ए से शुरू होगा वो नीचे आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है इसका फिल्टर, फिल्टर हम इसमें फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी एक किस्म की शॉर्टकट की है, यहाँ पर हम भी इसमें शॉर्ट लिस्ट स्मॉलेस्ट हम वगैरह कर सकते हैं, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट की, हम यहाँ पर अगर फाइंड करते हैं किसी, यानी कि 70 को फाइंड करना है तो हम फाइंड ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास जितने भी 70 है वो हमारे पास हो जाएंगे, यानी कि 70 यहाँ पर कर्सर है, ये शो हो गया, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट 70 ये है, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है, 70 नेक्स्ट ये है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस की, यानी कि जितने भी 70 हम इसी की जगह हम 80 लिख देते हैं तो 70 की जगह 80 हो जाएंगे, रिप्लेस आल, ओके, यानी कि यहाँ पर 70 था यहाँ पे 80 हो गया, रिप्लेस हो गया यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू और गो टू स्पेशल, यानी कि सबसे पहले इन दोनों में हम रेफरेंस वगैरह देंगे तो फिर ये हम ये टैब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने एम वर्ल्ड में अप्लाई की है, वहाँ पर हमने पहले रेफरेंस वगैरह लिंक दिया था फिर हमने गो टू पे जाए गए थे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया।